हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम प्रदीप कुमार और मैं आपका बहुत स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल मात्र छाया जीएस एकेडमी में। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे हिस्ट्री की। सॉरी फ्रेंड्स, हिस्ट्री की स्टार्टिंग करेंगे जैसे हमने ज्योग्राफी की स्टार्टिंग की है। फ्रेंड्स, हम आज बात करेंगे संविधान की और यहाँ से क्वेश्चन बहुत ही आते हैं। और बात करें हम संविधान निर्माण की या संविधान सभा की। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करेंगे इस चैप्टर में शुरुआत जब होता है तो हम बात करेंगे संविधान की। तो फ्रेंड्स, संविधान लिखते ही संविधान, फ्रेंड्स अगर हम संविधान को देखें तो सबसे पहले बात करें संविधान का मतलब क्या होता है। फ्रेंड्स, ये यहीं से संस्कृत का शब्द है, ये है फ्रेंड्स सम प्लस विधान, यहीं से फ्रेंड्स आपको मैं क्वेश्चन स्टार्ट करूं कि होता है सम प्लस विधान। और फ्रेंड्स, ये संस्कृत का शब्द है, इसका मतलब ये है कि सम प्लस विधान का मतलब ये है लोगों की सभा, ये लोगों की सभा इसका मतलब ये है। और अगर उस शब्द कभी पूछ ले कि संविधान शब्द किसका है तो फ्रेंड्स ये संस्कृत का। अब फ्रेंड्स बात करते हैं हम संविधान सभा की। आज जो हम स्टार्टिंग कर रहे हैं इसको प्रॉपर लेके चलेंगे, ये संविधान के बारे में हो गया और बात करते हैं फ्रेंड्स संविधान सभा की। संविधान सभा या इसी को फ्रेंड्स कहें कि संविधान निर्माण। सॉरी फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे संविधान निर्माण की बात करेंगे और सभा की हेड या क्लास आगे डालेंगे, बात करेंगे संविधान निर्माण। फ्रेंड्स, बात करें संविधान निर्माण की तो फ्रेंड्स इसकी जो शुरुआत हुई, फ्रेंड्स एक विधेयक पास हुआ 1895 में। फ्रेंड्स, एक हमारे भारत के दार्शनिक या कहा जाए भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी और स्वतंत्रता के फ्रेंड्स बहुत ज्यादा हमारे गर्व के बाल गंगाधर तिलक। फ्रेंड्स, बीजी तिलक। अब बात करते हैं सीधे संविधान की स्टार्टिंग की कहां से हुई, तो फ्रेंड्स बात करते हैं बीजी तिलक या बात करें क्या फुल फॉर्म है बाल गंगाधर तिलक। फ्रेंड्स, बाल गंगाधर तिलक के बारे में हम स्पेशली एक क्लास लेके आएंगे जो हमारे हीरो हैं, आजादी के हीरो। स्टार्ट करेंगे और बात करेंगे सबकी डिटेल्स। फ्रेंड्स, हम यहाँ पर संविधान शुरू किया है तो हम बात करते हैं सीधे संविधान के बारे में। फ्रेंड्स, ये विधेयक लिया है एक स्वराज विधेयक, स्वराज विधेयक लाए। फ्रेंड्स, ये स्वराज विधेयक के लिए लेके आए और ये कब लेके आए, तो फ्रेंड्स ये लेके आए 1895 में। फ्रेंड्स, 1895 अगर जिसे कहा जाए सर्वप्रथम दर्शन कहा जाए संविधान का, तो अगर पूछता है कभी आपसे, अभी तक पूछा तो नहीं गया है, सर्वप्रथम दर्शन। फ्रेंड्स, अगर जो सर्वप्रथम दर्शन पूछता है, अगर जो क्वेश्चन आता है संविधान का सर्वप्रथम दर्शन कहां से स्टार्ट होता है, तो फ्रेंड्स बाल गंगाधर तिलक एक स्वराज विधेयक लेके आए जिसमें इन्होंने बात की कि एक ऐसा इन्होंने विधेयक लेके आए कि ऐसा संविधान होना चाहिए या फिर
निम्नलिखित ऐसा होना चाहिए कि कुछ हमको, हम गुलाम थे और हमें कुछ अधिकार मिलना चाहिए, ये इसके बारे में विधेयक लेके आए। अब फ्रेंड्स इसी डेट में आगे हम बात करें कि हाँ फ्रेंड्स, पहली बार गांधी जी ने कब कहा कि भारत का संविधान होना चाहिए? तो फ्रेंड्स बात करते हैं महात्मा गांधी, एम जी गांधी, एम ई महात्मा गांधी। फ्रेंड्स 1922 फ्रेंड्स ये डेट है जब सविनय अवज्ञा असहयोग आंदोलन, सॉरी फ्रेंड्स असहयोग आंदोलन जब चल रहा था उसी की बात है, जब वो फ्रेंड्स असहयोग आंदोलन गया 1922 चौरा चोरी कांड भी है फ्रेंड्स, वो डेटों का क्लास अलग नहीं। फ्रेंड्स महात्मा गांधी पूछ ले कि कब कहा, तो 1922 में महात्मा गांधी ने कहा कि भारत के लिए एक लिखित संविधान होना चाहिए, ये महात्मा गांधी ने कहा। अब फ्रेंड्स बात करते हैं आगे कि अगर तो आपसे पूछ ले कि एक 1900 ML नेहरू फ्रेंड्स मोतीलाल नेहरू 1928 में फ्रेंड्स एक नेहरू रिपोर्ट पेश करते हैं और इसमें कुछ भारतीयों के लिए अधिकार मांग करते हैं। फ्रेंड्स ये नेहरू रिपोर्ट मोतीलाल नेहरू ने बनाई थी अंग्रेजों के लिए, तो फ्रेंड्स इसमें भी संविधान के बनाने के लिए इन्होंने भी कहा था। फ्रेंड्स यही नेहरू रिपोर्ट कहा जाए तो संविधान का फ्रेंड्स ब्लूप्रिंट कहा जाता है। ब्लूप्रिंट संविधान का अगर जो आपसे क्वेश्चन कभी आता है कि संविधान का ब्लूप्रिंट किसे कहा जाता है, तो फ्रेंड्स ये नेहरू रिपोर्ट को ही संविधान का ब्लूप्रिंट कहा जाता है, इसी के आधार पर संविधान का निर्माण हुआ। अब फ्रेंड्स बात करते हैं आगे, ये 1928 तो हो ही गया और इसी के साथ में आगे बात करते हैं कि अब फिर कब हुआ। तो फ्रेंड्स संविधान की एक बार फिर से मांग उठी बनाने की और ये मांग उठी फ्रेंड्स 1934 में, ये 1934 में उठी और दो लोगों ने कहा कि भारत का संविधान होना चाहिए और फ्रेंड्स बात करें कि ये जवाहरलाल नेहरू ने और प्लस यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस ने भी मांग की कि संविधान लिखित होना चाहिए हमारे भारत। अब यहां तक आपको बात क्लियर हो गई होगी। अब फ्रेंड्स बात करते हैं कि ये फ्रेंड्स जो संविधान की बात की थी, ये बात की थी स्वराज पार्टी ने पहली बार संविधान की बात की स्वराज पार्टी। अब फ्रेंड्स हम बात करते हैं इसी में बात करते हैं कि अगर जो ये 34 हो गया, अब बात करते हैं 1900 फ्रेंड्स स्वराज पार्टी ने पहली बार संविधान के लिए बात कही। अब फ्रेंड्स बात करते हैं कि इंडियन नेशनल कांग्रेस जो चल रही थी उसने संविधान के बारे में कब कहा, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने संविधान के बारे में कब कहा? तो फ्रेंड्स इंडियन नेशनल कांग्रेस ने संविधान के बारे में 1935 में कहा, पहली बार 1935 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने कहा कि संविधान हमारा होना चाहिए, ये मांग उठी। और फ्रेंड्स यहीं पर अब बात करते हैं, एक रिपोर्ट आई नेहरू रिपोर्ट द्वारा। फ्रेंड्स ये पिता लेके आए थे, अब पुत्र लेके आ रहा है नेहरू रिपोर्ट। फ्रेंड्स पहले पिता लेके आए थे, अब पुत्र लेके आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि ये जवाहरलाल नेहरू लेके आए और कब लेके आए, तो फ्रेंड्स ये लेके आए 1900
उन्हीं शॉर्ट्स में लेके आए और फ्रेंड्स इन्होंने हाँ इस रिपोर्ट में भी बात हुई कि भारत का संविधान होना चाहिए। इस रिपोर्ट में भी बात हुई कि भारत का संविधान होना चाहिए और इसमें बात की कि किसके आधार पर होना चाहिए। तो फ्रेंड्स ये बात हुई कि जो 21 चल रहा था और उसकी बात बाद में करेंगे। वैश्य मत इसमें जो बात की कि वैश्य मत का अधिकार है, इसमें बात हुई कि जो गठन होगा, ये जो संविधान का गठन होगा, ये संविधान जो बनाया जाएगा तो किसके आधार पर बनाया जाएगा। इस रिपोर्ट में बात हुई तो बात हुई वैश्य मतदाता, मतलब जैसे हम आज 18 साल के हैं तो हमारा भी अधिकार है। जब ये संविधान बन रहा था और वैश्य मतदाता की बात करें तो जैसे आज कोई चीज का निर्माण हो देश में और या फिर कोई भी चीज का निर्माण हो उसमें भी हमारी भागीदारी हो और हमको अधिक मत अधिकार देने का मौका मिले। तो फ्रेंड्स पहली बार इस रिपोर्ट में कहा गया कि संविधान होगा लेकिन कैसा होगा जिसमें वैश्य मत अधिकार से क्लियर होगा कि हमारा संविधान कैसा होना चाहिए। अब फ्रेंड्स बात करते हैं ये इसी, तो फ्रेंड्स एक अगस्त प्रस्ताव है। फ्रेंड्स 1940 में फ्रेंड्स अगस्त प्रस्ताव आया, अगस्त प्रस्ताव। फ्रेंड्स ये अगस्त प्रस्ताव आया और बात करें कि इसमें क्या हुआ तो फ्रेंड्स आंशिक बात अंग्रेजों ने मानी कि हाँ हम संविधान बनवाने के पक्ष में। ये फ्रेंड्स अगस्त में आया था, आंशिक रूप से स्वीकार किया। फ्रेंड्स आंशिक रूप से ये स्वीकार किया अंग्रेजों ने कि हाँ हम भारत का संविधान बनाने के पक्ष में हैं और हम संविधान का निर्माण करेंगे। फ्रेंड्स लेकिन यहाँ पर बात चल रही थी कि ये जो डेट मैं लिख दूँ यहाँ पर, फ्रेंड्स ये जो डेट है 1940 की, तो आपको कहूँ ना कहीं द्वितीय विश्व युद्ध की बात याद दिलाएगी। और यहाँ पर क्योंकि अंग्रेज चाहते थे कि भारत हमारा इसमें सहयोग करें और हम युद्ध जीत लें, लेकिन फ्रेंड्स भारत ने अपने हाथ सिकोड़ लिए और इस युद्ध में साथ ना देने का प्रस्ताव किया, मतलब उन्होंने साथ नहीं दिया। और अभी हम बात करेंगे अंतरिम सरकार की। फ्रेंड्स अंतरिम सरकार की बात करेंगे इसी में, तो सरकार भी भंग हो गई। और फ्रेंड्स अब आगे बात करते हैं, आंशिक रूप से पहली बार अंग्रेजों ने स्वीकार किया कि हाँ हम आजादी के बाद भारत का संविधान बना देंगे। अब फ्रेंड्स हम बात करते हैं आगे, एक क्रिप्स मिशन आया, भारत अभी भी नहीं माना तो उनको क्रिप्स मिशन भेजना पड़ा। क्रिप्स मिशन, फ्रेंड्स क्रिप्स मिशन भारत आया। अब बात करते हैं क्रिप्स मिशन की, तो ये फ्रेंड्स डेट है 1942 में फ्रेंड्स क्रिप्स मिशन भारत आया और इसने भी गठन की मांग को स्वीकार कर लिया। यहाँ पर आंशिक रूप से किया था और यहाँ पर सीधे गठन की मांग स्वीकार कर ली, गठन की मांग स्वीकार कर ली, स्वीकार की। यहाँ पर कह रहे थे जब युद्ध जीत जाएंगे तब हम भारत का संविधान निर्माण करेंगे, और यहाँ पर सीधे स्थिति ये आ गई कि इंग्लैंड हार के
भारत की मांग हम स्वीकार करते हैं। अब फ्रेंड्स बात करते हैं कि ये फ्रेंड्स गठन की मांग स्वीकार करते हैं। अब फ्रेंड्स बात करते हैं इसमें भी अभी बात गठन की केवल मांग हो रहे हैं जो ने स्वीकार ही की थी। फिर इसके बाद एक आया फ्रेंड्स कैबिनेट मिशन। अब कैबिनेट मिशन आता है फ्रेंड्स कैबिनेट मिशन ये फ्रेंड्स आता है 1946 में। अब यहां से शुरुआत होती है कि कैबिनेट मिशन आया जब ये गठन किया मांग स्वीकार करी फिर उन्होंने कैबिनेट मिशन भारत भेजा और फ्रेंड्स यहीं से दो चीजों की शुरुआत हुई भारत में। एक नंबर एक को अंतरिम सरकार का गठन हुआ। अंतरिम सरकार का गठन हुआ और नंबर दो फ्रेंड्स संविधान सभा का यहीं से शुरुआत हुई। यहां पर संविधान सभा की शुरुआत हुई। संविधान सभा की शुरुआत हुई और फ्रेंड्स पहली बैठक यहीं से ये दो काम इस कैबिनेट मिशन ने किए कि संविधान सभा की शुरुआत की और संविधान निर्माण शुरू करते हैं। संविधान निर्माण की शुरुआत की और अंतरिम सरकार का गठन किया। तो फ्रेंड्स अब हम फ्रेंड्स संविधान सभा की निर्माण किया और गठन किया। अब फ्रेंड्स हम बात करते हैं आगे कि जब ये स्टार्टिंग हो गई तो फ्रेंड्स पहली बैठक कब हुई। तो फ्रेंड्स ये डेट बहुत आती है और ये पहली डेट है 9 दिसंबर। 9 दिसंबर को पहली बैठक हुई और सच्चिदानंद हीरानंद डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा इसके अस्थायी सदस्य बने, अस्थायी अध्यक्ष बने जिन्होंने अध्यक्षता की 9 दिसंबर 1946 की बात है फ्रेंड्स 1946 की बात। अब दूसरी बैठक यहीं पर बात करते हैं 11 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक हुई और इसमें काम ये हुआ कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को स्थायी अध्यक्ष बना दिया। यहां पर डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे SNS सच्चिदानंद सिन्हा थे अस्थायी सदस्य और यहां पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को स्थायी बना दिया। ये दो डेटे हैं फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं इसी के 13 दिसंबर। ये फ्रेंड्स डेट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहली बार जवाहरलाल नेहरू यही पर फ्रेंड्स फ्रेंड्स 13 दिसंबर को प्रस्तावना पेश करते हैं। और फ्रेंड्स अब हम इसी के साथ में आगे बात करेंगे जब प्रस्तावना संविधान सभा शुरुआत करेंगे। ये हिस्ट्री होगी संविधान की और हम बात करेंगे आगे संविधान सभा की नेक्स्ट क्लास में। देखने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स।